आज मैंने जब फ्रिज साफ किया तो मुझे ये सारी सब्जियां थोड़े थोड़े अमाउंट में मिले, दो तीन पीस फूलगोभी के, चार हरी मिर्च और थोड़े पालक के पत्ते और थोड़े पत्ता गोभी के पत्ते और एक बैंगन, एक अंडा उबला हुआ मिला जो मैंने सुबह ही रखा था। तो मैंने सोचा था कि मिक्स्ड वेज बनाया जाए, लेकिन मिक्स्ड वेज के लिए भी ये पर्याप्त नहीं है, तो क्या करें? शाम का वक्त है, ठंड का मौसम है और चाय का भी वक्त है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे वो चीज़ बनाया जाए जो सभी को पसंद है, कर्रम कुर्रम, क्रिस्पी, गर्मा गर्म, टेस्टी पकोड़े। पत्ता गोभी को मैंने चौकोन चौकोन काट लिया है, पालक के पत्ते को थोड़ा सा डंठल रखा है नीचे, और ब्रेड के भी पकोड़े होंगे, आलू के भी, आलू को छील लेना है और उसको पतले पतले स्लाइसेस बना लेना है, और फूल गोभी के अंडे का भी पतले पतले स्लाइसेस बनाना है। चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। फूल गोभी के मैं लंबे लंबे पीसेस पतले एकदम काट लूँगी। ऐसे स्लाइसेस करना है। देखिए इस तरह से पतले। ये हरे मिर्च स्लिट दे देंगे हम बीच से और इसके सब सीड्स निकाल लेंगे इस तरह से, और इसमें एक चुटकी नमक डाल के रख देते हैं। वैसे सारे ऐसे ही करना है। ये आलू के स्लाइसेस को मैं पानी में धो लूंगी अच्छी तरह से, नैपकिन पे निकाल लूंगी। इसको एक खुली जगह में रख देते हैं सूखने के लिए। ब्रेड के हम किनारे काट लेते हैं और उसको चार पीसेस में कट कर लेंगे। पकोड़े के लिए घोल बनाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए 6 चम्मच बेसन, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच या आपके हिसाब से आप डालिए कम या ज़्यादा, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटा हुआ धनिया 1 चम्मच, अजवाइन 1/2 चम्मच। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे भिगाना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कहीं भी गुठली ना रह जाए। ये मिक्स हो गया है लेकिन ये फिर भी गाढ़ा है, तो हम और पानी थोड़ा डालते हैं। मैंने तेल रखा है गरम करने के लिए, पकोड़े तलने के लिए, तो उसमें से हम 1 चम्मच गरम तेल डालते हैं इसमें। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और चलते हैं पकोड़े तलने के लिए। ये हो गया है अच्छे से, और इसका कंसिस्टेंसी देखिए, ये ऐसा रहना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं। मैं पहले आलू तल लेती हूँ।
ऐसे ऊपर से भी तेल डालते रहना है इनके ऊपर, ताकि ऊपर से भी अच्छी तरह से तल जाए। मैं पलट देती हूँ। इसे मध्यम आंच पे तलना है। ये हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब मैं फूलगोभी का कर लेती हूँ। देखिए फूलगोभी का हर एक सब्जी का अलग अलग बैच होना चाहिए, एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। जैसे आलू के साथ फूलगोभी या पत्ता गोभी, सब अलग अलग तलना है, क्योंकि हर एक सब्जी का कुकिंग टाइम अलग रहता है। ऐसा ना हो कि कोई एकदम से पक जाए और कोई कच्चा रह जाए। फूलगोभी भी बन गए हैं, अभी पक गए हैं। अब हम तलेंगे मिर्ची, बनाएंगे मिर्ची पकौड़ा। आहा, मिर्ची पकौड़े भी टम फूल गए, मस्त एकदम। शाम के बाद टी पार्टी में, टी टाइम में, या तो फिर पार्टी टाइम में गर्मा गर्म हर प्रकार के सब्जियों का बनाइए आप पकौड़े। अब मैं लेती हूँ पालक। ये भी तल गया है अभी। अब हम लेंगे पत्ता गोभी। अब हम लेंगे ब्रेड, ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकोड़े भी हो गया है अभी। चलो इसे निकाल देते हैं। सभी सब्जियां मैंने दिखा दी हैं। मेरे पास एक अंडा पड़ा है, बॉइल्ड अंडा, तल लिया जाए, पकोड़ा किया जाए। आप इसे हरे चटनी के साथ खाइए, खट्टे मीठे चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, केचप के साथ खाइए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। गर्मा गर्म पकौड़े एकदम क्रिस्प, एकदम मस्त, एकदम टेस्टी। लीजिए, मैंने प्लेट्स में सर्व कर दिया है, हर तरह के पकौड़े बन गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।